टीवी शोज के मेकर्स अपने शो के कंटेंट में दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए कई ट्विस्ट और टर्न लाते रहते हैं। उनकी हरदम यही कोशिश रहती है कि शो की मौजूदा स्टोरी लाइन अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करती रहे। मेकर्स अक्सर ज्यादा टीआरपी पाने के लिए अपनी कहानी और कैरेक्टर्स में बदलाव लाते रहते हैं। समय समय पर कई एक्टर्स ने अलग अलग वजहों से शोज को क्विट किया है, जिस वजह से मेकर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। यहाँ तक वो उन एक्टर्स को ज्यादा टीआरपी के लिए वापस भी ले आते हैं। तो चलिए जानते हैं हमारे लिस्ट में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं। मगर उससे पहले मेरा परिचय। नमस्ते, मेरा नाम है सुरभि और आप देखना शुरू कर चुके हैं dilladdu.com। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर है रुबीना दिलैक। रुबीना दिलैक ने शो के मेकर से बहस होने के बाद शक्ति अस्तित्व के एहसास की छोड़ दिया था। इसके बाद वो रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 का हिस्सा बनी। बिग बॉस जीतने के बाद उन्होंने फिर से शक्ति अस्तित्व के एहसास की में वापसी की थी। अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सुशांत सिंह राजपूत। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने पवित्र रिश्ता में मानव का किरदार निभाया था और शो बीच में छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने शो का आखिरी एपिसोड शूट किया था और अपने फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दिए थे। अब लिस्ट में तीसरे नंबर पर है मनीत जोहरा। मनीत जोहरा ने कुंडली भाग्य छोड़ दिया था और वो नागिन 6 में नजर आने लगे थे। इसके बाद कुंडली भाग्य ने लीप ली और मेकर्स ने मनीत को शो में अपना कैरेक्टर जारी रखने के लिए फिर से कास्ट कर लिया था। लिस्ट के चौथे नंबर पर है शिवांगी जोशी। शो में शिवांगी जोशी के कैरेक्टर नायरा की मृत्यु हो जाने के बाद एक्ट्रेस ने शो छोड़ दिया था। इस न्यूज से फैंस काफी उदास थे, जिसके बाद शिवांगी ने सीरत का रोल निभाने के लिए शो में फिर से एंट्री की। लिस्ट में पांचवें नंबर पर है निधि शाह। निधि शाह मशहूर टीवी शो अनुपमा में किंजल का किरदार निभा रही हैं। उन्होंने पहले शो छोड़ने का मन बना लिया था। मेकर्स ने भी उनके शो में सीन कम कर दिए थे क्योंकि वो एक माँ का किरदार निभाना नहीं चाहती थी। लेकिन रिपोर्टर्स के मुताबिक निधि ने अपना शो छोड़ने का बाद में फैसला बदल लिया था। लिस्ट में छठे नंबर पर है मयूरी देशमुख। मयूरी देशमुख टीवी शो इमली में विलेन का रोल निभा रही थी। हालांकि उन्होंने कुछ महीनों पहले इस शो को टाटा बाय बोल दिया था। मेकर्स ने मयूरी को फिर बाद में कॉल किया, जिसके बाद उन्होंने फिर से शो में वापसी की। लिस्ट में सातवें नंबर पर है सिद्धार्थ वोडके। सिद्धार्थ शो गुम है किसी के प्यार में जगताप का रोल निभा रहे थे। उन्होंने ये शो छोड़ दिया था, लेकिन उनकी एग्जिट के बाद टीआरपी रेटिंग्स गिरने लगी और मेकर्स को उन्हें शो में वापस लाना पड़ा। लिस्ट में आठवें नंबर पर है सुधा चंद्रन। नागिन 6 एक्ट्रेस सुधा चंद्रन लीप के बाद शो में वापस आई थी। सुधा के शो से जाने के बाद कथित तौर पर मेकर्स को शो की कहानी आगे बढ़ाने में काफी इश्यूज का सामना करना पड़ा था। इस वजह से उन्होंने सुधा को शो में वापस लाने का फैसला किया। बाकी आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि हम ऐसे ही रोचक जानकारियां लेकर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।